सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर 1058 जिसका टाइटल है द न्यू एम्परर। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज के बारे में। तो इस कवर पेज में हम देख सकते हैं सीजर क्लाउन ने जर्मा 66 का साइड ले लिया है और वो चाहता है कि वो भी जर्मा 66 की हेल्प से होल केक आइलैंड से भाग पाए। नाउ ऑल्दो सीजर क्लाउन भले ही 66 का साथ दे रहा हो, बट हम सभी को पता है कि उसकी एबिलिटीज कितनी है एंड इन लोग के पीछे रोकने को कौन पड़ा है उनको भी हम जानते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट काटाकोरी हियर। सो आई वांट टू सी कि आखिर कैसे ये लोग होल केक आइलैंड से भाग पाएंगे। नाउ कमिंग टू द चैप्टर का टाइटल द न्यू एम्परर, इसके बारे में बात करने लायक है। सबसे पहले ये टाइटल आखिर किसको जस्टिफाई कर रहा है। अगर हम न्यू एम्परर की बात करें तो यहाँ पर न्यूज आई है कि लूफी अब एक न्यू एम्परर बन चुका है। बट देन अगेन इस चैप्टर में बगी के बारे में भी बात हुई है, जहाँ पे ये चीज क्लियरली बताई गई है कि बगी गलती से नया एम्परर बन गया है। एक्चुअली में इस लेवल पर होना चाहिए था मीहॉक को, बिकॉज ऑब्वियसली मीहॉक की बाउंटी बगी से ज्यादा है। अब यहाँ पर लूफी के बारे में मुझे ये टाइटल इसलिए डाउट में लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी लूफी के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो एक न्यू एम्परर बन चुका है। तो दोबारा से सेम टाइटल से रेफरेंस देना आई डोंट थिंक ओडा सेंस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है ओडा सेंसे हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस समय न्यू एम्परर से उनका मतलब और कोई नहीं बल्कि मीहॉक से। आपको क्या लगता है, आप ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रैंड लाइन से, जहाँ पे 1000 सनी इस समय सेल पर है और इस समय तक ये लोग वानों को छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे लूफी को नामी ने इतना पीटा है कि उसका चेहरा फूल गया है एंड उसको एक्चुअली में एक पिंजरे में बंद करके रख दिया गया है। लूफी यहाँ पर सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा है बट नामी उसकी एक भी नहीं सुन रही। नामी उसको बोलती है कि ये जो चूतिया स्टंट तुमने करने की कोशिश की है, यानी कि जो पिछले चैप्टर में उन्होंने पूरी बोट वानों के बाहर कुदा दी थी, उसके चक्कर में पूरा क्रू खत्म हो जाता। नामी उसको बोलते कि एक लिमिट तक ही मैं चीजों को बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसपे जिम्बे हंसते हुए बोलता है कि अरे यार इतना टेंशन मत लो, वैसे भी किसी को चोट नहीं पहुंची। ये बात सुनकर नामी बहुत गुस्से में जिम्बे को डांटती और बोलती है कि लूफी के ऊपर थोड़ा तो कंट्रोल हमें रखना पड़ेगा। एंड जिम्बे नामी का ये रूप देख के डर जाता है और उसको लगता है कि नामी के पास हाउ शुकू हाकी है। नाउ आई नो ये चीज बहुत ही चूतिया चीज है, बट अगेन हम ओडा के वर्ड्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोला है देन देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि नामी भी हाकी को यूज कर सकती है। एंड हमें नामी के ट्रू बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है कि उसके जो एक्चुअल पेरेंट्स है वो काफी पावरफुल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उटा को देखने के बाद लोग मीम्स बना रहे थे कि अब उनको सरप्राइज नहीं होगा अगर नामी बेन बैकमैन की बेटी निकली। हु नोज, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। बट अभी के लिए हम इसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसको यहाँ पर कॉमेडी एलिमेंट के लिए डाला गया है। यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है जिम्बे से कि प्लीज नामी से कभी बहस मत करना जब उसका दिमाग खराब हो। वेल फ्रैंकी ब्रो, आई डू रिलेट विद यू। यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है कि देखो 1000 सनी कितनी पावरफुल है, उतने ऊपर से हम इतने नीचे गिरे फिर भी एक छोटा सा गार्डन ही खराब हुआ है। अभी ये सब बकचोदी चली रही होती है कि तभी न्यूज वाला बतख आ जाता है और वो रॉबिन को नया वाला न्यूज़पेपर दे के जाता है, जहाँ पे सभी की न्यू अपडेटेड बाउंटीज का भी पोस्टर आया हुआ है। और ये चीज देख के सांजी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है रॉबिन च्यूएन मुझे भी ये नए वाले पोस्टर्स दिखाओ। इसके बाद नरेटर स्टार्ट होते हैं। अपडेटेड बाउंटीज फॉर द लीडर्स ऑफ द 5600 मैन ग्रैंड फ्लीट, एम्परर स्ट्रॉ हैट लूफी एंड हिज 9 कमांडर्स, डॉक्टर चॉपर जिनको एक्चुअली में इनका पेट बताया जाता है। इसकी बाउंटी है 1000 बेरीज, जो कि सच में बहुत कम है। एक्चुअली इसकी बाउंटी इससे पहले 100 बेरीज थी और 900 बेरीज के आसपास बढ़ गई है। शायद इसको लोग सच में सिर्फ जानवर ही समझते हैं पूरी दुनिया में। नेविगेटर कैट बर्गलर नामी, मेरी नामी, जिसकी बाउंटी है 366 मिलियन बेरीज। नेक्स्ट अप म्यूजिशियन सोल किंग ब्रुक एंड इसकी बाउंटी है 383 मिलियन बेरीज। नेक्स्ट शिपराइट साइबॉक फ्रैंकी एंड इसकी बाउंटी है 394 मिलियन बेरीज। इसके बाद अपना स्नाइपर गॉड डी उसो एंड इसकी बाउंटी है 500 मिलियन बेरीज। यहाँ पे उसो की गांड फटी हुई है और वो नहीं चाहता कि उसकी बाउंटी इससे ज्यादा बढ़े। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट डेविल चाइल्ड निको रॉबिन एंड इसकी बाउंटी है 930 मिलियन बेरीज। ऑब्वियसली रॉबिन की बाउंटी बढ़नी ही थी क्योंकि उसके पीछे पूरा CP0 पड़ा हुआ था। नेक्स्ट अप हमारे न्यू बिग थ्री। यस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन तीनों को एक साथ एक ही बड़े से पैनल में दिखाया गया है। यहाँ पे ओडा सेंस यही बताना चाहते हैं कि अब न्यू थ्री का सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सो थर्ड पोजीशन पे आता है कुक ब्लैक लेग सांजी विद अ बाउंटी ऑफ 1.032 बिलियन बेरीज। हेल्म्समैन जिम्बे द नाइट ऑफ द सी विद अ बाउंटी ऑफ 1.1 बिलियन बेरीज। नंबर 1 स्वॉर्ड्स मास्टर काइजो कुगारिनो जोरो विद अ बाउंटी ऑफ 1 बिलियन 100 मिलियन 1100 बेरीज। इसकी बाउंटी 1100 बेरीज ज्यादा है कंपेयर टू जिम्बे। अब क्योंकि सांजे की बाउंटी कम है तो उसकी झांटे फायर हो रखी हैं और वो कहा कि आखिर मैं जोरो से नीचे क्यों। इवन वो जिम्बे को भी चूतिया बोल रहा है। उसकी हालत देख के जिम्बे उसको बोलता है कि
क्या हुआ सांजी, तुम ठीक तो हो ना? इस पे जोरो कहता है छोड़ो उसको, वैसे भी नंबर 4 की हमें क्या ही जरूरत है। एंड इसके बाद लास्ट पोजीशन फ्लीट कैप्टन एम्परर स्ट्रॉ हैट लूफी विद अ बाउंटी ऑफ 3 billion berries। एंड अभी भी हम देख सकते हैं कि लूफी को एक बंदर की तरह केज में बंद करके रखा गया है। आयरोनिक, उसके नाम में भी तो मंकी ही है। उसके बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि जोरो और सांजी दोबारा से फाइट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज जोरो ने उसको नंबर 4 बोल दिया। इस क्रू में काफी मजा चलता रहता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैनल से ये क्लियर हो चुका है कि जोरो, जिम्बे और सांजी अब न्यू बिग 3 बनेंगे, ना कि लूफी, जोरो और सांजी, जिसको लेके काफी सारे लोगों में डाउट था। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि हमने बाकी एम्परर्स के साथ देखा था, जहाँ पे कैप्टन को छोड़ के हमने 3 strongest मेंबर्स को हर बार देखा है, जैसे कि काइडो के केस में हमने क्वीन, जैक और किंग को देखा था, और बिग मॉम पायरेट्स में लिनलिन के बाद काटाकुरी, स्मूथी और क्रैकर हुआ करते थे। ऑल्दो व्हाइटबियर्ड का केस थोड़ा सा अलग था, वहाँ पे 16 अलग अलग कमांडर्स हुआ करते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आते न्यू वर्ल्ड के एक और आइलैंड पे जिसका नाम है ब्लफ्स आइलैंड, और ये वही जगह है जहाँ पे बगी की डिलीवरी कंपनी सेटअप हुई है। यहाँ पे बगी के क्रूमेट्स बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस समय मिहोक आया हुआ है, और उन्हें लग रहा था कि वॉरलॉर्ड्स का सारा सिस्टम खत्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने अचानक से वॉरलॉर्ड्स को बैन कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो सभी बगी के चोदे हैं, तो उन्हें लग रहा था कि बगी ने ये सब कुछ अरेंज किया है, जिसकी वजह से मिहोक की जान बच गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं एम्परर बगी का चेहरा, जिसको मार मार के उसका चेहरा सुजा दिया गया है, और वो बोल रहा है कि भाई प्लीज मेरे को जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे तलवे चाटने को तैयार हूँ, बस मुझे जीने दो। एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं क्रॉस गिल्ड के 2 सबसे बड़े लीडर्स मिहोक और क्रोकोडाइल। यहाँ पे मिहोक बोलता है कि यार क्रॉस गिल्ड तो मेरे और हॉकाई के अंडर चलने वाली चीज थी, तो आखिर तुम्हें सभी लोग बॉस क्यों समझ रहे हैं बगी? जिस पे बगी कहता है बड़े भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपसे माफी मांग सकता हूँ, वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग मुझे इतना पीट रहे हो। इसके बाद मिहोक अपनी सॉर्ड बगी के गले पे रख के बोलता है कि तुम शायद एक लौते ऐसे आदमी हो पूरी हिस्ट्री में जो कि एम्परर बनने के बाद भी भिखारियों की तरह रो रहा है, तुम्हें यहाँ पर खत्म भी कर दें तो भी कोई फायदा होगा नहीं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बगी का सर निकाल के हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी बाकी की बॉडी नीचे गिरी हुई है। क्रोकोडाइल बोलता है कि यार तुमने हमारी नाक कटा के रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बगी तुम्हारा मैं करूं क्या। इस पे बगी बोलता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, और मिहोक बोलता है कि चूतिया रिक्वेस्ट करना बंद करो। अगले पैनल पे हम देखते हैं मिस्टर 3 को, जो कि क्रोकोडाइल की चाटने लग रहा है क्योंकि अब बगी को धर लिया गया है, और ये और बगी एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मैंने कभी तुम्हारा क्रू ज्वाइन किया ही नहीं था। और फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि बगी का बाकी का क्रू खाना खा रहा है, जहाँ पे उनका कैप्टन बाकी लीडर्स के द्वारा पिट रहा है। वो भी सब बोल रहे हैं कि अगर बगी यहाँ पे मर गया तो हम ऑब्वियसली क्रोकोडाइल को फॉलो करेंगे। कितना अजीब सा क्रू है। इसके बाद हम देखते हैं मिहोक का एक फ्लैशबैक, जहाँ पर ग्लूम आइलैंड पर उसको क्रोकोडाइल का कॉल आता है। क्रोकोडाइल उसको बोलता है अरे वाह तुम्हारे वॉरलॉर्ड होने के तो फायदे अब खत्म हो गए। इस पे मिहोक बोलता है कि क्रोकोडाइल फोन कियो, ये बताओ तुमको चाहिए क्या। मिहोक आगे बोलता है कि मरीन्स इस आइलैंड पर पहुंच रहे हैं, ये बहुत चूतियापा सिचुएशन है, बट शायद अब मुझे ये आइलैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। इस पे क्रोकोडाइल उसको बोलता है कि इसका तो यही मतलब है कि हमारा तभी फायदा होगा अगर हम साथ में काम करें, वैसे भी अगर हम साथ मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो नेवी हमें हल्के में नहीं लेगी, आफ्टर ऑल तुम तो ऑलरेडी मरीन हंटर रह चुके हो, मैं और मिहोक तुम हम दोनों सेम है, हम किसी पर भरोसा नहीं करते। एंड यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है कि मिहोक एक्चुअली में मरीन हंटर हुआ करता था, मतलब एक ऐसा पायरेट जो कि बोर होने पे जाके मरीन्स को खत्म करता था। आप समझ सकते हो कैसी बात है, आधे से आधे पायरेट्स मरीन्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते, बट मिहोक उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारता था। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसीलिए मिहोक और शैंक्स के बीच में फाइट हुआ करती थी, क्योंकि मिहोक एक्चुअली में मरीन्स को हंट करता था, बिकॉज शैंक्स के काफी अच्छे टर्म्स है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। सो आई डू बिलीव कि ये रीजंस हो सकते हैं कि शैंक्स और मिहोक के बीच में काफी ज्यादा फाइट्स हुआ करती थी। उसके बाद हमारा एक और फ्लैशबैक चालू होता है जो कि एक्चुअली में बगी का है, जहाँ पे वो वाला सीन हमें दिखाया जाता है जब मरीन्स बगी को हंट करने के लिए आ रहे थे जब वॉरलॉर्ड का सिस्टम खत्म कर दिया गया था, लेकिन तभी मरीन्स की शिप को कोई अटैक करने लगा, सारे के सारे मरीन्स के शिप्स एक के बाद एक डूबने लगे और बगी की भी फटके हाथ में आ गए कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में दिखता है कि ये सारा कांड क्रोकोडाइल कर रहा है, क्रोकोडाइल ही वो आदमी है जो कि इन सारे मरीन्स के शिप्स को डुबा रहा है। नाउ ये चीज देख के बगी के क्रूमेट्स तो खुश हो जाते हैं, नाउ ये चीज देख के बगी के क्रूमेट्स काफी खुश हो जाते हैं कि क्रोकोडाइल जैसा बंदा बगी की हेल्प करने आया है, और शायद ये रूमर सच है कि क्रोकोडाइल बगी के अंडर काम करता है। लेकिन बगी के साथ सिचुएशन कुछ और है, उसकी घंट फटके हाथ में आ गई है, क्योंकि एक्चुअली में बगी ने ये जो कंपनी बनाई है इसके लिए उसने सारा पैसा उधार लिया था क्रोकोडाइल से, और अब उसके पैसे नहीं है लौटाने को। सिचुएशन तो मरीन्स के पीछे पड़ने से भी ज्यादा खराब है। क्रोकोडाइल बगी तक पहुंचता और बोलता कि तुम अभी भी यहीं पे हो, जितना मैं तुम्हें जानता हूं अब तक तो तुम भाग गए होते। इस पे बगी बोलता कि भले ही हमारी डिलीवरी बिजनेस देखने में बहुत अच्छी लग रही हो, बट हमारे पास खाने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, और जो भी जायंट्स हमारे लिए काम कर रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा कमाई कर रहे थे, उन्होंने अचानक से क्विट कर दिया। जिस पे क्रोकोडाइल उसको बोलता कि ठीक है अगर पैसा नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें काम करता हूं, मैं तुम्हें ही बेच देता हूं। इस पे बगी उसको बोलता कि प्लीज क्रोको चान ऐसा मत बोलो, हम तो बहुत पुराने जेल के यार हैं। इस पे क्रोकोडाइल बोलता कि मैंने तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत एहसान कर दिया तुम्हें पैसे दे के, अब अगर तुम वापस नहीं कर सकते हो तो कम से कम रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, मुझे अपनी खुद की कंपनी बनानी है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो बगी उसको बोलता कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं
तुम्हें ज्वाइन कर लूं। इसके बाद तुम मेरी कंपनी का यूज करके अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो, और तो और तुम्हें एक वॉरलॉर्ड भी मिल जाएगा जो कि तुम्हारे अंडर काम करेगा। उधार चुकाने के लिए मैं दुगनी मेहनत करूंगा और अच्छे से काम करूंगा। मेरी कंपनी में हर टाइप के लोग हैं जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, कुरियर, जो भी तुम मांगो वो चीज मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और क्रोकोडाइल उसको वो क्रॉस गिल्ड का फ्लायर दिखाता है जिसकी वजह से क्रोकोडाइल की सबसे ज्यादा जली हुई है। क्रोकोडाइल बोलता है कि आखिर ये फ्लायर बांटा कैसे और तुम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैसे दिख रहे हो। तो बगी उसको बोलता है कि देखो ऐसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है, ये सारा कांड मैंने नहीं किया है, मेरे एम्प्लॉयज मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा फ्लायर बना दिया। उन्होंने मुझे ये फ्लायर दिखाया तो था और मैं उन्हें मना भी करने वाला था, लेकिन मेरे कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने ये पूरा फ्लायर दुनिया में बांट दिया था। इसके बाद ये फ्लायर उड़ता हुआ पहुंचता है नेवी हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे बात हो रही होती है बगी की। ऑलरेडी बगी एक मास्टरमाइंड था जो कि इंपेल डाउन से भाग पाया, इवन वो पायरेट किंग के क्रू में भी था जिसकी वजह से उसकी शैंक से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और अभी तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि क्रोकोडाइल ने इस समय बगी की हेल्प करने के लिए ब्लफ आइलैंड पर गया हुआ है। हमारे फोन टैप डिवीजन ने यह भी कंफर्म किया है कि मीहॉक और क्रोकोडाइल ने एक्चुअली में अलायंस बना ली है। इनकी ऑलरेडी एक मरीन हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है। अगर हम इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो क्रॉस गिल्ड एक बहुत ही भयंकर थ्रेट है और इनके लिए अब न्यू बाउंड्रीज जारी होंगी। एंड इसके बाद हमें न्यू बाउंड्रीज देखने को मिलती है क्रॉस गिल्ड के मेंबर्स की। सर क्रोकोडाइल विद अ वूपिंग 1.965 बिलियन बेरीज, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन जो कि रेड हेयर शैंक्स को कम्पीट करता है। हॉकआई मीहॉक विद अ बाउंटी ऑफ 3.59 बिलियन बेरीज, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन के लिए इससे कम बाउंटी तो एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती। और वो इंसान जो इन दोनों को अपने नीचे झुका पाया उसकी बाउंटी है 3.189 बिलियन बेरीज, जिसकी वजह से ये अब एक न्यू एम्परर बन चुका है अलॉन्ग विद मुगीवारा लूफी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बगी डी क्लाउन एक बहुत ही डेंजरस इंडिविजुअल है। क्रोकोडाइल आगे बोलता है कि अब तुम एक एम्परर हो, नाम तो बहुत कमाया तुमने क्लाउन। जिस पे बगी अगेन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं रेडी हूँ तुम्हारे तलवे चाटने के लिए। लेकिन फिर मीहॉक बोलता है कि अब जो हो गया सो हो गया, हम यहाँ पे एक नया चीज कर सकते हैं, एक काम करते हैं। वैसे भी अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट का पूरा पूरा ध्यान इसके ऊपर जाएगा तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। वैसे भी मेरा कोई मन है नहीं एम्परर बनने का जब तक मैं शांति से जी पाऊँ। इसके बाद मीहॉक आगे बोलता है कि एक काम करो, इसी को टारगेट बने रहने दो, वैसे भी हमारा जब मन करे हम इस इंसान को खत्म कर सकते हैं। इस पे क्रोकोडाइल बोलता है बात तो सही है। एंड इसके बाद अपना बगी डी क्लाउन एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करता है जहाँ पे वो बोलता है कि हम सभी ने मिलके एक क्रॉस गिल्ड बनाया है ताकि हम नए एज से फाइट कर सकें। एंड फिर वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि क्रोकोडाइल और मीहॉक। और ये सब बोलते बोलते बगी खुद भी रो रहा है कि अब उसका क्या होगा। उसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं कम्बाका किंगडम में, जहाँ पर इस समय रेवोल्यूशनरी आर्मी बैठी हुई है। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी कोला से बोल रही होती है कि अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एटलीस्ट हमें ये बात पता है कि साबो सेफ है। इस पे कोला बोलती है कि हाँ थैंक गॉड हर कोई ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के वो सारे मेंबर्स सेफली पहुंच चुके हैं जो कि मरी जोज में गए थे। ये सभी लोग आपस में डिस्कशन करके शोर मचा रहे होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है शांत रहो तुम लोग बहुत अनोइंग हो। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं अपने बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ वन पीस मंकी डी ड्रैगन। ड्रैगन यहाँ पे बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि साबो ठीक है, बट अगर उसने सच में किंग कोबरा का मर्डर किया है तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला, फिर चाहे उसका कोई भी रीजन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन कुमा के पास जाता है क्योंकि ऑब्वियसली रेवोल्यूशनरी आर्मी कुमा को वहां से छुड़ा कर ले आई है। और ड्रैगन उससे पूछता है कि कुमा ये बताओ तुम्हें एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, जिस पे कुमा बस एक ही चीज रिप्लाई करता है मास्टर मुझे कमांड दो। एंड ये चीज देख के कोला बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपना भी बचपन याद आता है कि कैसे वो एक स्लेव थी और कितने लंबे टाइम तक वो अपने मास्टर से कमांड लेना छोड़ नहीं पा रही थी। इसके बाद अचानक से पीछे स्नेल फोन बजता है और कोला उसको पिक करने जाती है, लेकिन वहीं दूर हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए मरीन्स ये पूरा फोन कॉल टैप कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई कॉल कर रहा है कम्बाका किंगडम में और वो सारे कॉल को रिकॉर्ड और सुन रहे होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म एम्परर हो सकता है। एंड तभी अचानक से फाइनल पैनल में आवाज आती है इट्स मी साबो एंड लास्ट लाइन विल वी फाइंड आउट द ट्रुथ के साथ चैप्टर नंबर 1058 खत्म। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द मांगा रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1058। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।